तो हेलो गाइज, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइज, काफ़ी सारे लोग जेसीबी ढूंढ रहे जो ब्लैक कलर के आता है, पूरा का पूरा बोनेट, जो जेसीबी का मतलब आगे का डाला और पीछे का डाला सब कुछ चलता है, लिफ्टिंग विफ्टिंग सब कुछ, मतलब सब कुछ। आप भी ये ढूंढ रहे हो तभी ला के आप हमारे वीडियो देख रहे हो। तो गाइज, चैनल पर अगर आप नए हो हमारे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में दिए गए घंटे को प्रेस कर देना ताकि हम जो भी वीडियोज़ बनाए आपको मिलता रहे। तो गाइज, अभी हमारा जेसीबी नाम मोड़ मोड़ के अंदर चला गया, लेकिन उतनी तो ताकत मेरे को दिखती नहीं 4x4 के अंदर, लेकिन ये जेसीबी है ये ना एकदम से आराम से निकल जाता है मड मोड़ के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले हम इसका जो कंट्रोल है सारे के सारे देख रहे हो, यहाँ पे आपको कोने में दिख रहा होगा, यहाँ से ऊपर नीचे सब कुछ हो सकता है। और पीछे का कंट्रोल भी गाइस अभी ऐड होने वाला है, एक साथ ही दोनों का दोनों अपडेट जब आएगा तब एक साथ ही अपडेट में मिलने वाला है। तो गाइज, ये किस मोड के अंदर आने वाला है ये भी मैं आज आपको वीडियो बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे क्या यूट्यूबर आपको बता रहे होंगे कि आप ओपन वर्ल्ड के अंदर जो न्यू मैप है इसके अंदर आप जाते हो तब जाके ये डायरेक्ट ही आपको ये जैसे भी देखने को मिलने वाला है, लेकिन गाइज ये कुछ होता नहीं, ये एक एडिटिंग होता है, तो उसकी वजह से डायरेक्ट वो कट करके वहाँ पर पार्ट लगा देते हैं, तो उसकी वजह से डायरेक्ट ये जैसे भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ओल्ड मैप के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, मड मैप के अंदर भी आपको कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, मतलब सारे के सारे मोड के अंदर आपको जो कंट्रोलर जेसीबी के है वो आपको देखने को मिलने वाला है। और देख रहे हो यहाँ पे आप उठा भी सकते हो, मतलब जो रियल जेसीबी आपको मतलब जो अपना जो आगे का डाला है उसकी वजह से आप उठा भी सकते हो आगे का टायर वायर, मतलब पूरा का पूरा रियलिस्ट टाइप, मतलब पूरा का पूरा एकदम से जब आप कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पे आप जेसीबी चलते हुए देख रहे हो रियल लाइफ के अंदर, ऐसा ही इस गेम के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है पूरा का पूरा रियलिस्टिक। तो गाइस देख रहे हो अभी हम यहाँ पे उठाने वाले हैं जो कुछ ईंटें कॉन्क्रीट की, इसको हम ट्रला के अंदर डालने वाला है। देख रहे हो गाइस एकदम से मतलब परफेक्टली यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे आपने फार्मिंग सिमुलेटर 20 या 30 आपने देखा होगा उसके अंदर जो जेसीबी आता है उसी की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस देख रहे हो यहाँ पे जो मेरा ना अभी ड्राइविंग थोड़ा कमज़ोर है इसकी वजह से बहुत ही बढ़िया नहीं हो रहा, लेकिन बहुत ही बढ़िया वर्किंग कर रहा है। तो गाइस ये अपडेट आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है, अभी किसी के पास भी नहीं है, जितने भी लोग बोल रहे हैं वो सारे के सारे कुछ ना कुछ जुगाड़ या एडिटिंग करके आपको बता रहे हैं। तो गाइस चैनल पे अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके सारे के सारे कंट्रोल जो आगे का डाला है वो कंट्रोल होता है यहाँ पे आपको कोने में जो ट्रैक्टर स्विच करने का ऑप्शन आ रहा है उसके नीचे, यहाँ पे आपको अप डाउन ये सारे के सारे जो मतलब जो आगे का बोनेट डाला है उसको यहाँ पे अप उसको डाउन मतलब वो सारे के सारे चार कंट्रोल यहाँ पे आपको कोने में ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो वहाँ से पूरा का पूरा जेसीबी का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे मिलेगा और बाकी सारा जो पीछे का है वो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलने वाला है जल्दी, वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो गाइस बाकी का सारा नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, जो पीछे का डाला है वो भी आने वाला है जल्दी। तो गाइस जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तब हम बताएंगे पीछे का डाला का कैसे यूज करते हैं और अपडेट आएगा तो जल्दी से जल्दी हम आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। और देख रहे हो गाइस यहाँ पे जेसीबी की ताकत हमने लगाई है पूरी की पूरी ट्राला के ऊपर, देख रहे हो गाइस आगे का टायर मतलब पूरा का पूरा अपडेट में जब आएगा ना तब एकदम बहुत ही बढ़िया। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।